सीमांत जिले पिथौरागढ़ में कारगिल विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय में उल्का देवी मंदिर के समीप शहीद स्मारक में हुआ। जिलाधिकारी रीना जोशी ने कारगिल शहीद जवाहर सिंह, किशन सिंह, गिरीश सिंह और कुंडल सिंह बेलाल के चित्रों पर पुष्प चक्र अर्पित किए। यहाँ पर शहीद स्मारक पर ये दिवस मनाया गया है, जिसमें पूर्व सैनिक संगठन के सदस्यगणों ने इसमें भाग लिया है और साथ ही साथ यहाँ पिथौरागढ़ के चार शहीद जो कारगिल में शहीद हुए थे उनके परिवारजनों ने भाग लिया। इसमें छात्र छात्राओं ने भी अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है और मैं आज शहीद दिवस के अवसर पर, विजय दिवस के अवसर पर आप उन सभी शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करती हूँ और साथ ही साथ जो सैनिकों ने उसमें भाग लिया था कारगिल युद्ध में उन सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इस अवसर पर विधायक बिशन सिंह चुफाल सहित तमाम लोगों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूरे उत्तराखंड के जवानों ने इस प्रकार से जो शहीद हुए थे, 75 जवान शहीद हुए थे, उनमें से चार जवान जनपद पिथौरागढ़ के भी थे। आज उनके परिवारजन यहां पर थे, उन सबको नमन करते हुए उनको और जो शहीद थे यहाँ पर शहीद परिवारों को श्रद्धांजलि देते हुए आज का जो एक कार्यक्रम था यहाँ पर विजय दिवस के और उत्सव के एक रजत जयंती के रूप में यहाँ पर मनाया गया। पुलिस जवानों ने शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहीदों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कारगिल विजय दिवस सप्ताह के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को भी इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया। इससे पूर्व एनसीसी कैडेटों ने नगर में मार्च पोस्ट किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि देश के लिए बलिदान लेने देने वाले लोगों को हमेशा याद रखा जाएगा। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, अपर जिला अधिकारी शिव कुमार बरनवाल, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल करम सिंह बिष्ट, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल एसपी गुलेरिया, शमशेर सिंह महर, दीपा देवी सहित तमाम पूर्व सैनिक मौजूद रहे। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति ने नगर में विशाल मशाल और कैंडल मार्च निकाला। पूर्व सैनिक युवा मोर्चा और संकल्प फाउंडेशन के कार्यकर्ता रामलीला मैदान में एकत्र हुए, जहां पूर्व सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल बिष्ट ने विजय दिवस के बारे में जानकारी दी। कारगिल शहीदों के परिजनों को शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कैंडल मार्च की शुरुआत कारगिल शहीद जवाहर सिंह की वीरांगना लीला देवी ने मशाल जलाकर की। कार्यक्रम का संयोजन जन कल्याण समिति के सचिव एवं एकल अभियान के जिला अध्यक्ष ललित थानिक ने और संचालन संकल्प फाउंडेशन के अमित जोशी ने किया। मार्च में शामिल लोगों ने शहीदों के सम्मान में जमकर नारे लगाए। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार एवं पंचकर्म केंद्र। यहाँ पर सभी जोड़ों के दर्द, गठिया वात, घुटना दर्द, स्लिप डिस्क, सायाटिका, दबीनस, सर्वाइकल, पीठ दर्द, गैस, अनिद्रा, मोटापा आदि हेतु थेरेपी दी जाती है। साथ ही निशुल्क योग, नाड़ी परीक्षण, परामर्श व औषधि वितरण भी किया जाता है। आज ही सेवा का अवसर दें। श्री शिवाश्रम, नियर विशाल मेगा मार्ट, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले की सीमांत तहसीलों में भारी बारिश जारी है। शुक्रवार को हुई बारिश से राप्ती ग्राम सभा के कुथवा तौक में हुए भूस्खलन से 5 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। ग्रामीणों ने परिवारों की सुरक्षा की मोटर मार्ग बंगा पानी और सेरा घाट के बीच हुए भूस्खलन से बंद है। थलमुन स्यारी मोटर मार्ग में हरडिया बैंड में लगातार मलबा आ रहा है, फिलहाल मार्ग खुला हुआ है। जिले की तेजम तहसील में 103 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बंगा पानी में 85 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिले में 28 मोटर मार्ग बंद पड़े हैं, इनमें 25 मोटर मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले हैं। कारगिल शहीद गिरीश सामंत की पुण्यतिथि पर तेवलथल के मेला पानी में बनाए गए शहीद स्मृति द्वार पर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत वीरांगना शांति सामंत ने पूजा अर्चना कर की। विधायक बिशन सिंह चुफाल सहित भारतीय सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर शहीद जवाहर सिंह की वीरांगना लीला देवी ने पूर्व सैनिकों के साथ मिलकर शहीद जवाहर सिंह की स्मृति में शहीद द्वार बनाए जाने की मांग की। विधायक चुफाल ने जल्द ही स्मृति द्वार का कार्य शुरू करने का भरोसा दिया। अब 3-स्टार फैसिलिटी और एसी रूम्स की सुविधा के साथ एम्पल पार्किंग, फैमिली फंक्शन एंड बैंकेट हॉल, साथ ही अक्षय पात्र वेज रेस्टोरेंट,
प्योर वेजिटेरियन खाने की सुविधा। पिथौरागढ़, धारचूला मुंसियारी, डीडीहाट, चंपावत के दूरस्थ यात्रियों को प्राथमिकता। होटल भागीरथी इन, पीलीभीत चुंगी, टनकपुर। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।